हेलो नमस्ते लोगों, नमस्कार चैनल के साथ वेलकम बैक टू द चैनल। एक डायरेक्टर के लिए फिल्म बनाना तब आसान हो जाता है जब उसका जो एक्टर है ना वो उसके इशारों पे, उसकी उंगलियों पे नाचे, उसके बाद उसके लिए यूं फिल्म बनाने का जो प्रोसेस होता है ना इतना आसान हो जाता है। प्रशांत दिन सर कन्नड़ फिल्मों के एक बहुत ही नामचीन डायरेक्टर, एक फेमस डायरेक्टर जिन्होंने उग्रम और केजीएफ फ्रेंचाइजी जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, वीडियो में आपको आगे पता चलने वाला है कि उनके साथ फिलहाल क्या हो रहा है और उनको लग रहा होगा कि अपनी इंडस्ट्री छोड़ के और दूसरी इंडस्ट्री में जाके वहाँ के एक्टर्स के साथ काम करना, उनका टेंट्रम झेलना कितना सरदर्द भरा होता है वो उनको भी पता चल रहा होगा। तो जैसा आपको पता है कि फिलहाल वो सालार फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है। फिल्म का 85% जो पोर्शन है, पार्ट है, वो शूट हो चुका है। अभी फरवरी में और भी पार्ट उसके कंप्लीट हो जाएंगे, अप्रॉक्स 95%। और जो 5% जो बचेगा, जिसको पैचवर्क बोलते हैं, जब कुछ सीन्स पे काम करना बाकी रह जाता है, शूट करना बाकी रह जाता है, वो भी विदा लीड एक्टर का जो पोर्शन है ना वो सबसे पहले निपटाया जाता है, क्योंकि डेट्स की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद जो छोटे छोटे सीन्स होते हैं जिसमें साइड एक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो पैचवर्क बोला जाता है, उसको शूट करके फिर एडिटिंग में यूज किया जाता है। तो मार्च तक वो पैचवर्क भी फिल्म का कंप्लीट हो जाएगा और सितंबर में फिल्म जो है सालार रिलीज होने वाली है। कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि ये फिल्म 2 पार्ट्स में होने वाली है। अब ये न्यूज आ रही है कि प्रभास का कहना है कि आप इसको, यानी ये सालार जो है उसको एक ही पार्ट में ख़त्म करो। और ये टेंट्रम झेलने को मिल रहा है प्रशांत नील सर को। अब वो किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, क्या वो एक ही पार्ट में फिल्म को निपटाएंगे, निपटा दिया उन्होंने, या फिर फिल्म का सेकंड पार्ट भी आएगा जो कि केजीएफ फ्रेंचाइजी से कनेक्टेड होगा। अब प्रशांत नील सर के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद, यानी सालार का शूट कंप्लीट करने के बाद, उनको जूनियर टीआर सर के साथ भी फिल्म डायरेक्ट करनी है, वो फिल्म कंप्लीट होगी। उसके बाद उनको रॉकिंग स्टार यश के साथ भी फिल्म करनी है, जो केजीएफ की अगली सीरीज होगी, अगली पार्ट होगी। उसके बाद फिर सालार का सेकेंड पार्ट बनाना, तो उनका जो शेड्यूल है काफ़ी हेक्टिक है और काफ़ी लंबे, अगले 4-5 सालों तक उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत दिन सर क्या डिसीजन लेंगे कि सालार को एक पार्ट में रखा जाए या 2 पार्ट में रखा जाए? प्रभास जो है उनका ये बोलना सही है या गलत है, क्योंकि इससे पहले भी जिस फिल्म से वो फेमस हुए हैं वो 2 पार्ट्स में थी। उसके बाद जो एक 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 पार्ट भी किया है उन लोगों ने, साहो हो गई, राधे श्याम हो गई, वो कैसी बुरी तरीके से पिटी है बॉक्स ऑफिस पे, ये तो सभी को पता ही है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या प्रशांत दिन सर को अपने इंडस्ट्री में ही रहना चाहिए, अपने इंडस्ट्री के एक्टर्स के साथ ही काम करना चाहिए, या फिर बाहर जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जाके वो करते रहना चाहिए? आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच वॉचिंग। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।